हेलो, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द थर्मियोनिक कन्वर्जन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज थर्मियोनिक कन्वर्जन। व्हेन ए मेटल इज टू बी हीटेड बाय गिविंग ए टेम्परेचर आर गिविंग ए हीट देन इट्स इलेक्ट्रॉन गोइंग्स टू मूव्स ऑन। सो द कोलोजन फिनोमिना अकर्स बाय द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम किसी मटेरियल में हीट देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स में जो है वो कोलिजन की फिनोमिना होती है, और एक सफिशियंट एनर्जी जब ज़्यादा हीट मिल जाती है तो ये मेटल के जो मेटल से बाहर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो थर्मियोनिक इफेक्ट जो है वो उसकी डिफिनीशन है कि इफ़ ए मेटल इज़ हीटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम इट एंड दिस फिनोमिना इज़ नोन एज द थर्मियोनिक इमिशन। तो जब भी किसी मटेरियल में हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ज़्यादा हीट पाते हैं तो उस मटेरियल के बाहर चले जाते हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशंस। यही चीज़ आगे देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन थर्मल एनर्जी सप्लाइड टू द सॉलिड कोलिजंस विथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मेटल। मतलब जब सफिशियंट एनर्जी इसको दिया जाता है तो कोलिजंस इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मेटल कॉजिंग सफिशियंट एनर्जी टू एक्सपेल इट फ्रॉम द मेटल। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएगा इसका ये मतलब हुआ कि मैक्सिमम जो सफिशियंट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के ही मूवमेंट्स को हम एनर्जी के फॉर्म में कहते हैं। इसका मतलब हमें एनर्जी ऑब्टेंड हो जाएगी। थर्मियोनिक इमिशन इज़ द प्रोसेस दैट इज़ कॉमन टू ऑल मटीरियल्स एंड अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स। तो हर एक मटीरियल का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट होता है, और डिफरेंट टेम्परेचर पे उसमें इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी के टर्म में ऑब्टेंड है वो हमें मिलती है। नेक्स्ट है थर्मियोनिक कन्वर्टर आर जनरेटर। अब ऊपर थर्मियोनिक इफेक्ट हमने पढ़ा कि मटीरियल को हम हीट करेंगे, जब ज़्यादा हीट मिलेगी तो कोलोजन होगा और वो मटीरियल जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो आपका मेटल के बाहर होगा, और उसी बाहर से जो भी मेटल मिलेगा उसी को हम एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कहते हैं। दैट सेकेंड वन इज़ द थर्मियोनिक जनरेटर। इन थर्मियोनिक जनरेटर इन द फिगर दैट देयर आर द टू इलेक्ट्रोड, वन इज कैथोड वन इज एनोड। व्हेन Q1 हीट इज सप्लाई टू दिस देन Q2 इज सप्लाइड फ्रॉम द एनोड। दिस इज़ द पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल, दिस वन इज़ द रेजिस्टेंस। सो इन द थर्मियोनिक कन्वर्टर दैट द प्रिंसिपल ऑफ द थर्मियोनिक कन्वर्टर इज दैट हीट एनर्जी कन्वर्टिंग इन टू द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई यूटिलाइजिंग द थर्मियोनिक इमिशंस। मतलब जो भी थर्मियोनिक इमिशंस का प्रिंसिपल है उसमें हीट एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो ए थर्मियोनिक कन्वर्टर कन्वर्ट्स हीट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग थर्मियोनिक इमिशन इफेक्ट। इन थर्मियोनिक कन्वर्टर इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए वर्किंग फ्लूड इन प्लेस ऑफ वेपर एंड इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ हीटेड मेटल। जैसे कि जो मटेरियल है हमारा वो किसी भी मटेरियल में जब हम हीट देते हैं तो उसके इसमें हम वर्किंग सब्सटेंस जो है वो एज ए फ्लूड को कंसीडर करेंगे। व्हेन ए हीट इज़ गिवन टू ए मटेरियल एंड द वर्किंग सब्सटेंस इज अज्यूम एज ए फ्लूड देन द इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम द मेटल्स आइदर मटेरियल्स व्हेन द सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट इज़ टू बी ट्रांसफर ऑन द मटीरियल सर्फेस। सो द वर्किंग ऑफ द thermionic converter that a metal called emitter is heated until its release electron from its surface and flow towards the anode. The electrode occurs the small gap between the electrodes and accumulate on a closed metal called collector. जैसे कि हमने इसको हीट दिया, ये हमारा कोई इलेक्ट्रोड है, ज़्यादा हीट हमने दिया एज ए कैथोड पे, कैथोड को हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ले रहे हैं, एनोड को निगेटिव टर्मिनल ले रहे हैं, तो जो हीट एनर्जी होती है वो हायर से लोअर बॉडी की ओर ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है जब हमने हीट दिया, ज़्यादा हीट दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर आया और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ आया। सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द थर्मियोनिक कन्वर्टर इज बेस्ड अपॉन द कैथोड एंड एनोड एंड द रेजिस्टेंस अकर्स इन बिटवीन देम। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एनर्जी लॉसेस एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स अक्रॉस द गैप द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज आइदर मेंटेन्ड एट हाई वैक्यूम
या द इलेक्ट्रॉन्स एंटर द कलेक्टर एंड रिटर्न थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट बैक टू द इमीटर, दस इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल पावर। तो जैसे ही हमें पावर मिल गई, वैसे ही हमको इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में हमें एनर्जी ऑब्टेंड हो गई। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका जो है थर्मियोनिक कन्वर्टर, या इसी को हम बोलते हैं जनरेटर। तो या तो क्वेश्चन में थर्मियोनिक कन्वर्टर पूछता है या थर्मियोनिक जनरेटर। तो थर्मियोनिक कन्वर्टर आर जनरेटर, द प्रिंसिपल इज दैट द टू इलेक्ट्रोड, वन इज कैथोड, वन इज एनोड, हीट इज टू बी सप्लाइड ऑन द कैथोड, द इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम देयर एंड दैट इट इम्पिंजेज ऑन द सर्फेस ऑफ द एनोड, देन द फिनोमिना ऑफ दैट ए फर्मी लेवल गैप इज टू बी ऑब्टेंड इन बिटवीन द टू एनोड एंड कैथोड एंड दैट गैप इनिशिएट द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एनर्जी लॉस द इलेक्ट्रॉन मूव्स अक्रॉस द गैप एंड द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज आइदर मेंटेन्ड एट हाई वैक्यूम, इसके वजह से वैक्यूम में मिलता है एंड जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग कलेक्टर में कलेक्ट कर लेते हैं और जो वो रिटर्न आता है, रिटर्न थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट बैक टू द इमीटर, दिस प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिकल पावर। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ थर्मियोनिक इमिशन, आइदर थर्मियोनिक जनरेटर। नेक्स्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पावर एंड इफिशियंसी ऑफ थर्मियोनिक कन्वर्टर। इसके पावर को और इसकी इफिशियंसी को, जैसे ही हमें पावर मिलेगा उसी पे बेस्ड होता है कि कितना हमारा करंट इनपुट में मिलेगा। तो थर्मियोनिक इफिशियंसी और थर्मियोनिक पावर को हम कैसे ऑब्टेंड करते हैं, तो उसके लिए एक एनालिटिकल अप्रोच है जो कि एनालिसिस के फॉर्म में है, उसको हम लोग ड्राइव करेंगे। और इसका जो डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राइव द एनालिटिकल अप्रोच टू ऑब्टेन द पावर एंड इफिशियंसी ऑफ ए थर्मियोनिक कन्वर्टर। सो व्हाइल वी ड्राइव द पर्टिकुलर पावर एंड इफिशियंसी ऑफ थर्मियोनिक कन्वर्टर, फर्स्ट वी सी दिस फिगर हियर, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, this one is the y coordinate, in the y that is energy volt and the x that is the Fermi level in cathode material metals। मतलब जो यहाँ पे Fermi level का gap है वो कितना है cathode पे, उस चीज़ को हम obtain करेंगे x axis पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि Vb जो है वो kinetic energy है जो कि barrier है cathode पे, Vc जो है that is load voltage है, फाई सी जो है दैट इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड है, कैथोड हम यहाँ पे मानेंगे, दिस वन इज़ द एनोड, डेल जो है स्पेस चार्ज है, वी एल जो है लोड वोल्टेज है, और टी सी और टी ए, टी सी मतलब कैथोड का टेम्परेचर और टी ए मतलब एनोड का टेम्परेचर, दिस वन इज़ द एनोड टेम्परेचर, दिस वन इज़ द कैथोड टेम्परेचर। सो जब भी हम इसमें कैथोड में वर्क फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट्स, मींस हमने एनर्जी दिया, एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे हुई ईएफसी, ये पीक है एनर्जी की, तो एनर्जी पीक देने से हमें इलेक्ट्रॉन मिला, इसको हम बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस, इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस इन बिटवीन कैथोड एंड एनोड एंड हियर द फिनोमिना अकर्स इन टू द दिस। ये सारे देखिए सिंबल्स हैं, एब्रीविएशन जो अभी हमने ऊपर बताया, फाई सी क्या है, फाई ए क्या है, वी बी क्या है, वी एल क्या है, डेल क्या है, टी सी एंड टी ए क्या है। अब हम इसका एनालिटिकल एनालिसिस करेंगे और इसके थ्रू हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। एक बार आप इसको समझने की कोशिश करें, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड एट द कैथोड, क्योंकि कैथोड ही स्टार्टिंग में हमने इसको कंसीडर किया है, तो कैथोड पे जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो वर्क फंक्शन ऑब्टेंड करने के लिए, टोटल वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड प्लस काइनेटिक एनर्जी बैरियर एट कैथोड। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हीट हम ट्रांसफ़र करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तभी वो बैरियर के थ्रू बाईपास होगा। तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड एट वी सी मतलब कैथोड, और ये है टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द कैथोड, दैट इज़ इक्वल टू फाई सी प्लस वी बी। सेकेंड है करंट डेंसिटी ऑफ कैथोड, कैथोड की डेंसिटी हम मेज़र करेंगे, फिर एनोड की डेंसिटी मेज़र करेंगे। तो डायरेक्ट एज ए फार्मूला हमने जे जो है वो डेंसिटी का सिंबल है, सी कैथोड है, तो जे सी इज इक्वल टू ए एरिया है, एरिया ऑफ द कैथोड, टी सी मतलब टेम्परेचर ऑफ कैथोड, एक्सपोनेंट ऑफ द माइनस वी सी अपॉन के टी सी,
टीसी जो है आपका कैथोड का टेम्परेचर है। तो सिंपली कि जब भी हम डेंसिटी कंसीडर करते हैं कैथोड की, तो डायरेक्ट एज ए डेरिवेटिव टर्म वी लर्न दैट जे सी इज इक्वल टू ए टी सी स्क्वायर एक्सपोनेंट माइनस वी अपॉन के टी सी। और सिमिलरली जहां सी है वहां अगर हम ए लिख दें तो वो एनोड के लिए हो जाएगा। तो यहां सी था, यहां जे ए, यहां टी सी है, यहां टी ए, यहाँ पे टी सी है, यहाँ टी ए, और यहाँ वी सी है, यहाँ वी है। तो सिंपली अगर एक फार्मूला आपको कैथोड के लिए याद हो जाएगा तो डायरेक्ट एनोड के लिए भी हम उसको वही फार्मूला याद कर लेंगे। सिंपल फार्मूला है ए टी सी स्क्वायर एक्सपोनेंट ऑफ माइनस वी सी अपॉन के टी सी के टी सी। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं लोड वोल्टेज इनपुट। जो लोड वोल्टेज इनपुट है दैट इज इक्वल टू वी एल इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ए। यही वी सी है आपका करंट वोल्टेज, कैथोड वोल्टेज, एनोड वोल्टेज, इसको हम कह सकते हैं जो आपका फाई है, फाई सी माइनस फाई ए, दिस वन फाई सी, वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड और वर्क फंक्शन ऑफ एनोड। जो दोनों का डिफरेंस है वो लोड वोल्टेज कैथोड पे और जो लोड वोल्टेज है वो एनोड के इक्विवेलेंट है। सो दिस इज द लोड वोल्टेज इनपुट, टोटल लोड वोल्टेज कैथोड का वोल्टेज माइनस एनोड का वोल्टेज, और यही जो है वर्क फंक्शन इनपुट कैथोड एंड वर्क फंक्शन इनपुट एट एनोड। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द इलेक्ट्रोड एट एनोड, मतलब जो कितनी एनर्जी होगी जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैथोड से यहाँ पे एनोड की ओर ट्रांसफर होगा। सो हियर इन द डेरिवेटिव टर्म एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीचिंग द इलेक्ट्रोड टू एट एनोड क्यू वन इज इक्वल टू दिस टोटल एनर्जी फाइव सी प्लस वी बी इन टू जे सी। जे सी जो है वो अभी हमने जे के टर्म में आपको बताया था करंट डेंसिटी, दिस वन करंट डेंसिटी इन टू जे सी इज इक्वल टू वी सी इंटू जे सी, क्योंकि फाइव सी प्लस वी बी इज इक्वल टू जे सी इसके पिछले वाले जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें लिखा था। अब यू नो दैट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कैरीज द इनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो कैरीज करती है एनर्जी का दैट इज इक्वल टू टू के टी सी। अब जो आपका एनोड है उस पर जो टोटल हीट होगी क्यू टू इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू टू के टी सी अपॉन ई दिस वैल्यू। अब टोटल एनर्जी नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन टू रीच द एनोड, टोटल एनर्जी क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू, यहाँ पे है टू, Q1 की वैल्यू रखेंगे, Q2 की वैल्यू लिखेंगे, तो Q1 की वैल्यू ये है फाइव सी प्लस वी बी इंटू जी सी, वी सी इंटू जे सी, यही है जे सी इंटू वी सी प्लस दिस Q2 की वैल्यू जे सी, ये जे है जे सी इंटू टू के टी टी सी अपॉन ई। यहाँ से जे सी कॉमन है, जे सी कॉमन ले लो, वी सी प्लस टू के टी सी अपॉन ई। सिमिलरली ये तो आपकी टोटल एनर्जी जो हो गई वो कैथोड की हो गई, ऐसे ही एनोड की जो टोटल एनर्जी है जे ए वी ए प्लस टू के टी ए अपॉन ई, ये आपकी एनोड की एनर्जी हो गई। अब नेट एनर्जी हमको जानना है, टोटल कितनी हीट एनर्जी टोटल की नेट होगी, तो क्यू ए जो भी है एनोड की एनर्जी प्लस कैथोड की एनर्जी आपस में जोड़ लो, तो नेट एनर्जी इज इक्वल टू क्यू नेट क्यू ए एनोड की एनर्जी प्लस कैथोड की एनर्जी। तो इन दो इक्वेशन को आपस में बस हमने जोड़ दिया है, कुछ किया नहीं है, बस इसको एक फॉर्म में ले लिया है, इसको जो है हमने वो दूसरे फॉर्म में ले लिया है। नेट एनर्जी क्यू इज इक्वल टू क्यू नेट क्यू ए माइनस क्यू सी, एनोड की एनर्जी माइनस जो है आपका डेट एनर्जी इज इक्वल टू कैथोड एनर्जी। तो यहाँ से अगर मान लीजिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है, कैथोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल माना है, तो पॉजिटिव पे जो टर्मिनल होगा वो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये ना कि एनोड माइनस कैथोड होगा, ये होगा कैथोड माइनस एनोड, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो कैथोड से एनोड की एनर्जी जो है वो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्यू सी टोटल एनर्जी क्यू वन प्लस क्यू टू हो गया था, अब क्यू नेट जे सी वी सी प्लस टू के टी सी अपॉन ई माइनस जे ए वी ए प्लस टू के टी ए अपॉन ई। टोटल पावर आउटपुट अभी हमने ऊपर वाली इक्वेशन में देखा P इज इक्वल टू वी एल जे सी माइनस जे ए है। किसी भी कन्वर्टर की जो इफिशियंसी होती है वो होती है पावर अपॉन नेट हीट सप्लाइड। पावर की वैल्यू ये है वी एल जे सी माइनस जी ए, क्यू नेट है क्यू कैथोड माइनस क्यू एनोड, तो यही आपका क्यू कैथोड का फॉर्मूला है, ये क्यू एनोड का फॉर्मूला है, ये दोनों लिख लिया, वी एल की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, बाकी सारी चीज़ें एडिटिव हैं। अब हमने एज्यूम कर लिया लेट वी सी अपॉन के टी सी इज इक्वल टू गामा सी और वी ए अपॉन के टी ए इज इक्वल टू गामा ए। अब
जो हमारी वी सी अपॉन के टी सी ई है, मतलब बार बार ये टर्म आ रहा था, थोड़ा सा एक्सप्रेशन टर्म जो है ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, इसलिए हमने इसको एज्यूम कर लिया। और वाइल वी पुट द फॉर्मूला इफिशियंसी इन टू द टर्म ऑफ गामा सी एंड गामा ए एंड टी डैश टर्म, गामा ए इज इक्वल टू गामा सी इज इक्वल टू गामा लें, देन गामा मैक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी डैश गामा अपॉन गामा प्लस 2 1 माइनस टी डैश स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी डैश स्क्वायर ब्रैकेट में गामा प्लस 2 टी डैश अपॉन गामा प्लस 2। ये जो इतना टोटल एक्सपेक्टिव टर्म है वो इतना ये एज्यूम है लेसर है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी टोटल की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसका जो मैक्सिमम इफिशियंसी का टर्म हो जाएगा दैट इज़ 1 माइनस टी डैश अपॉन गामा अपॉन गामा प्लस 2। तो ये जो वैल्यू है टी डैश, इसी को बोलते हैं एनोड का टेम्परेचर और कैथोड का टेम्परेचर। तो दैट फॉर्मूला इज़ टू बी लर्न दैट टी डैश वेयर टी डैश टी ए अपॉन टी सी। तो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए कि मैक्सिमम इफिशियंसी और पावर अभी हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया, तो थर्मियोनिक इमिशंस में जो पावर और इफिशियंसी है वो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो आप लोग एनालिटिकल फार्मूला देख रहे हैं इसमें बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ देखने में ये थोड़ा लार्ज लग रहा है, बट ईजली इक्वेशन पुट करनी है जो भी है सिस्टमेटिक है। पहले हम लोगों को बस ये पता होना चाहिए इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होती है, तो वहाँ से आपका नेट जो है वर्क डन वो पावर के टर्म में है और इफिशियंट हीट सप्लाई जो है दैट इज़ Q1 माइनस Q2 जो आपकी कैथोड पे हीट है और एनोड की हीट है। सो दिस इज़ द एक्सपेक्टिव टर्म ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द थर्मोआयनिक इमिशन आई द थर्मियोनिक कन्वर्टर। इसका जो एडवांटेज है, एडवांटेज सबसे ज़्यादा यही है थर्मियोनिक इमिशन का कि जो पहला देखिए लिखा हुआ है दैट इज़ वन इज़ द एब्सेंस ऑफ रोटेटिंग पार्ट, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। दूसरा है इट इज़ ए कॉम्पैक्ट डिवाइस, बहुत ज़्यादा इसमें अलग से सेटअप की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ क्वाइट इन ऑपरेशन और इट हैज़ हायर कन्वर्जन इफिशियंसी, इसकी जो इफिशियंसी है वो ज़्यादा है, इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स रोटेटिंग पार्ट्स नहीं है और ये जो प्रोसेस है वो बहुत ईजली है, सिर्फ एनोड और कैथोड टर्मिनल में जो गैप होता है उसके वजह से मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट अकर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है सिंपल डिफरेंस बिटवीन थर्मो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मो आयनिक कन्वर्जन। तो थर्मो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था, आज हम लोग थर्मियोनिक कन्वर्जन बताए हैं। थर्मियोनिक कन्वर्जन में जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो आपका थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसमें हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला जो है टेक्स हीट फ्रॉम हॉट जंक्शन एंड कन्वर्ट्स इट पार्शली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड रीसेट पार्ट गोज टू द कोल्ड जंक्शन। इसमें है थर्मियोनिक कन्वर्जन में एंड थर्मियोनिक कन्वर्टर इज़ ए फॉर्म ऑफ हीट इंजन दैट यूजेज एन इलेक्ट्रॉन गन, ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन एज ए वर्किंग सब्सटेंस। तो वही अभी हमने जो बताया कि थर्मो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन का जो बेसिक डिफरेंस है थर्मियोनिक कन्वर्जन से वो है हीट जो है हॉट जंक्शन से कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ जो हीट होती है वो कोल्ड जंक्शन में जाती है और वो जो कोल्ड जंक्शन है वो जो है रेस्ट पार्ट जो एनर्जी को वो स्टोर करता है। थर्मियोनिक कन्वर्टर में आपका मेन यही प्रिंसिपल है कि जो इलेक्ट्रॉन गन है उस इलेक्ट्रॉन एनर्जी को हम यूज़ करते हैं एज ए वर्किंग सब्सटेंस। सेकेंड है इफिशियंसी ऑफ थर्मोकपल इंक्रीजिंग द अपर टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द लोअर टेम्परेचर। तो जो इफिशियंसी होती है वो थर्मोकपल जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी इफिशियंसी इंप्रूव होगी, जाहिर सी बात है, और जब उसका टेम्परेचर कम होगा तो उसकी जो इफिशियंसी है वो डिक्रीज होगी। दूसरा जो है इट वर्क्स थर्मियोनिक कन्वर्जन में, इट वर्क्स ऑन थर्मियोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल व्हेन इट इज़ हीटेड। थर्मियोनिक इमिशंस में मेन आपका यही है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हीट होगा तो वो मेटल के बाहर आएगा और उसके एनर्जी को हम लोग रीयूटिलाइज करेंगे। तो ये दो इसका जो है वो बेसिक डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस बिटवीन थर्मोइलेक्ट्रिकल एंड थर्मियोनिक कन्वर्जन, दीज आर द मेजर डिफरेंसेस। तो आज के हमने वीडियो में ये डिस्कस किया है कि थर्मोइलेक्ट्रिकल कन्वर्जन में
जो भी प्रिंसिपल था वो कैसे थर्मियोनिक कन्वर्जन से थोड़ा डिफरेंट है। मेन इलेक्ट्रॉन की जो एनालिसिस है, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आइदर काइनेटिक एनर्जी, आइदर मूवमेंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन बिटवीन द गैप ऑफ इलेक्ट्रोड एंड कैथोड, इस चीज़ को हमने स्टडी किया है। तो आप इसके एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक बार खुद से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। ये सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर थर्मो इमिशन कन्वर्टर, दैट इज़ 1-T- गामा अपॉन गामा प्लस 2। सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस ओनली अबाउट द डिफरेंस बिटवीन थर्मो इलेक्ट्रिकल, थर्मो आयनिक एंड द पावर एंड एफिशिएंसी ऑफ थर्मियोनिक कन्वर्टर। ओके, थैंक यू।